हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद मेकअप ट्यूटोरियल। ईद में आप किस तरीके से रेडी हो सकते हैं, किस तरह का मेकअप लुक आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ईद में, तो अभी कई दिन बाकी है, तो ईद से पहले मैं कुछ अलग टाइप्स के मेकअप लुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप सबको हेल्प हो कौन सा मेकअप लुक आप ट्राई कर सकते हैं। मैं डिफरेंट तरह के मेकअप लुक्स ट्राई करूंगी, और आज के इस लुक में मैंने क्रिएट किया है एक सिंपल आई लुक, जिसमें मैंने काइंड ऑफ एक स्मोकी लुक देने की कोशिश किया है। बट ये एकदम परफेक्ट स्मोकी आई लुक नहीं है, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा स्मोक इफेक्ट नहीं दिया है। बिकॉज ये मैं एकदम सिंपल सा मेरे स्टाइल का एक लाइट काइंड ऑफ मेकअप लुक रखना चाहती थी, जो कि डे टाइम के लिए भी परफेक्ट हो, येट उसमें थोड़ा सा आईज में ड्रामा हो। इस मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है यूजिंग ऑल ब्लू हेवन प्रोडक्ट्स। ये पूरा डब्बा भर के ब्लू हेवन के प्रोडक्ट से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। सो ये लुक ना बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है, बिकॉज वी ऑल नो ब्लू हेवन प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल। आज का ये लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सारे प्रोडक्ट्स के, अगर आप ब्लू हेवन के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको पसंद आता है और आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर चेक करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने सारे प्रोडक्ट्स की ही परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगी ब्लू हेवन हाइपर मैट फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है वनीला। ये मेरे स्किन टोन से एकदम परफेक्टली मैच करता है, एंड इसके कई सारे शेड रेंजेस भी है, विच इज़ ग्रेट। और इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेटिंग है और कवरेज भी बिल्डेबल है, नेचुरल मैट फिनिश है, लाइट वेट है और ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। पम्प पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, उससे प्रोडक्ट वेस्टेज भी कम होता है। हाईली पिगमेंटेड है ये फाउंडेशन, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड यू कैन सी हाउ नेचुरल माई स्किन इज़ लुकिंग। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लू हेवन HD कंसीलर। ये एक मेकअप स्टिक है जिसे मैं एज अ कंसीलर इस्तेमाल करूँगी। इसमें भी शेड रेंज वाइड शेड रेंज आपको मिल जाएगी, और इसमें भी मेरा शेड है वनीला, जो कि मेरे स्किन टोन से एकदम परफेक्टली मैच करता है। इसे मैं अपने अंडर आइज़ को कंसील करूँगी और अपने पिगमेंटेड एरियाज को भी कंसील करूंगी। इसका पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, और इसे मैं अपने फिंगर टिप से इजीली ब्लेंड करूंगी, एंड इट ब्लेंड्स लाइक अ बटर। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ये कंसीलर या फिर मेकअप स्टिक, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। हमेशा अपने नेक पर फाउंडेशन या कंसीलर को अप्लाई करना चाहिए। मैंने फाउंडेशन नेक पर नहीं अप्लाई किया था, इसीलिए मैं इस कंसीलर को नेक पर मैंने अप्लाई किया, एंड आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर वेरी इजीली यूजिंग माई फिंगर्स, एंड इसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस ब्लू हेवन ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट, और ये कॉम्पैक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। इसके साथ आपको एक फुल साइज मिरर मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड आई थिंक मिरर वाले जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, बिकॉज हम लोगों को ट्रैवलिंग के वक्त ही कॉम्पैक्ट पाउडर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एंड इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। आईब्रोज़ के लिए मैं ये ब्लू हेवन ब्रो डिफाइनर ले रही हूँ, जिसमें एक साइड आपको एक स्पूली मिलेगा जिससे मैंने अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर लिया, एंड दूसरा साइड प्रोडक्ट है जिससे मैं धीरे धीरे अपने नेचुरल शेप में ही आईब्रोज़ को ड्रॉ कर रही हूँ, एंड इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इसे फिल इन करने हैं। इसके शेड रेंजेस भी है, बट ये वाला जो शेड है ये मेरे आईब्रोज से एकदम परफेक्ट मैच है, ये डार्क ब्राउन शेड है, इसमें एक लाइटर वर्जन भी आता है। नेक्स्ट मैं ये इंटेंस काजल प्लस लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो काजल वाला पोर्शन है ना, इससे मैं अपने वाटर लाइन लोअर प्लस अपर वाटर लाइन को लाइन कर रही हूँ, एंड जो आईलाइनर वाला पोर्शन है उससे मैं एक हल्का सा लैश लाइन के करीब करीब लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके के 2-in-1 पैकेजिंग ट्रैवलिंग के वक्त बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, एक ही प्रोडक्ट में आपको दो मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाइंग दिस मस्कारा, एंड ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जो वॉन्ड है ना, उसका मुझे शेप बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कन्वीनियंट है। एंड लास्टली हम अप्लाइंग दिस ब्लू हेवन इंटेंस मैट लिपस्टिक इन द शेड हर्ट बीट 303, और इससे मैं एज अ ब्लश भी अप्लाई कर रही हूँ, एंड फिर मैं एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई करूँगी। मेरे लिप्स पर थोड़ा सा टेंट था, इसलिए मैंने लिप्स पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, ताकि इसका कलर जो है वो एकदम निखर के आए, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द कलर इज़। इसे मैंने हल्के
हाथों से अप्लाई किया है. मुझे वो जो फुल रेड कलर है वो नहीं चाहिए था, मुझे लाइट कलर चाहिए था. एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक. ये मेकअप लुक अगर आप ईद में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस. और सारे ही प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है. सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल येट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. बाय.